नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है संचिता क्राफ्ट शॉप। आज के वीडियो में हम बनाएंगे ये खूबसूरत सी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। ये ड्रेस 3 से 4 नंबर कान्हा जी को आराम से आ जाएगी। मैंने पहले भी सेम साइज का ही एक और ड्रेस अपलोड किया था। आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट किया कि वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो क्योंकि ये वाला भी सेम ही साइज का बना रही हूँ, इसलिए चोली मैंने सेम रखी है। चोली में मैंने कोई चेंजेस नहीं किए। ये वीडियो मैं स्कर्ट पोर्शन से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको ये वाली चोली बनानी है तो आप मेरा पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल में मैंने चोली का सब कुछ बता दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा। फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। शुरुआत में मैंने 20 फंदे डाले हैं, फिर पहले 2 रोज मैंने उल्टे उल्टे फंदे बनाए हैं। रो 3 से मैंने जालियाँ डाली हैं, 4 जगह पर 2-2 जाली डालते हुए मैंने रो 12 तक बनाया है। 12th रो के एंड पे मेरे पास 60 फंदे बन गए हैं। रो 13 पे मैंने 2 बाजुओं के लिए फंदे बंद कर दिए और उसके बाद मेरे पास 32 फंदे बचे। रो 14 में मैंने फ्रंट पार्ट, दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को साथ में जोड़ते हुए बस सारे फंदे टाइट करके उल्टे बना लिए। फिर कमर पे मैंने ये उल्टे उल्टे फंदों की बेल्ट बनाने के लिए 4 रोज उल्टे बनाए हैं, रो 15, 16, 17 और 18। तो चोली वाली पार्ट के लिए आप मेरा पहला वाला वीडियो देख लीजिए। रो 1 से लेके रो 18 तक सिर्फ बिल्कुल सेम टू सेम बना लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं रो नंबर 19। स्कर्ट में हम पहले जालियां डालकर फंदे बढ़ाएंगे। तो चलिए मैं आपको फंदों की डिवीजन बताती हूँ। मैं इसमें रखूँगी 7 जालियाँ, 7 जगह पर जालियाँ डालूँगी और अभी टोटल मेरे पास 32 फंदे हैं। तो 32 फंदों के बीच में हमें इन 7 जालियों को इक्वल करके डिवाइड करना है। तो इस पैटर्न में मैंने क्या किया है, स्टार्टिंग में 2 उल्टे फंदे और आखिर में 2 उल्टे फंदे रखे हैं बॉर्डर के हिसाब से। तो इन्हें मैंने लिख लिया। अब 7 जगह पे हम जाली डालेंगे, तो 7 बार मैं 2H लिख देती हूँ। H मतलब होल, यानी कि जाली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब देखिए 32 में से कितने फंदे ऑलरेडी हमारे यूज हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो इसमें 18 फंदे ऑलरेडी यूज हो गए। अच्छा, 2H इसलिए लिखा है क्योंकि इस डिज़ाइन में 2 जाली बनती है, पास पास में 2 जाली भी बनती है और 2 फंदे भी बढ़ते हैं। तो 18 फंदे हमारे 32 में से निकल गए, तो हमारे पास बचे 14। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 जगह हमारे बचे हैं। यहाँ पे हमें इन 14 को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में और एंडिंग में मैं एक एक फंदा लिखती हूँ। तो इसमें से हो गए 12 और 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह बचे हैं। तो 2, 2, 2, 2 करके मैं लिख देती हूँ। इस तरह से हमने फंदे डिवाइड किए। देखिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 2 उल्टे, फिर 1 सीधा, फिर 2 जाली, फिर 2 सीधे, 2 जाली, 2 सीधा, 2 जाली, 2 सीधा। सात जालियां हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात जालियां हो गई। इसके बाद फिर 1 सीधा और फिर 2 उल्टा, 1K, यानी कि यहाँ पर 1K। तो इस तरह से देखिए हमारे 32 फंदे जो हैं टोटल इस तरह से डिवाइड हो गए। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 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
हैं। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ रो नंबर 19। मैं फ्रंट साइड पर हूँ, देखिए जस्ट मैंने ये चार लाइन का जो बॉर्डर बनाया था, बेल्ट बनाया था, उसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ रो नंबर 19 से। तो शुरुआत के दो फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। शुरुआत के दो फंदे उल्टे बनाए, फिर ऊन पीछे लेकर हम पहला नेक्स्ट फंदा सीधा बनाएंगे, फिर इसके बाद हम जाली डालेंगे, तो ऊन को आगे ले आएंगे और इस तरह से जाली डालेंगे, फिर ऊन आगे लाएंगे, एक और जाली डालेंगे। तो इस तरह से होगा,
अब फिर नेक्स्ट दो फंदे सीधे, तो ऊन पीछे ही रहेगा। फिर नेक्स्ट दो जाली डलेगी तो ऊन आगे लाएंगे, और इस तरह से एक जाली, ऊन आगे, एक और जाली, फिर नेक्स्ट दो सीधे, फिर दो जाली, तो इसी तरह से दो सीधे, दो जाली, दो सीधा, दो जाली बनाते हुए हम एंड तक चलेंगे। लास्ट के तीन फंदे छोड़कर हम बना लेते हैं। तो देखिए लास्ट के तीन फंदे बचे हैं। अब ये वाला एक सीधा होगा और उसके बाद आखिर के दो उल्टे बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी रो नंबर 19 जो है कंप्लीट होती है। हमने यहाँ पर सात जगह पर जालियाँ डाली हैं। अब हम उल्टा साइड बनाएंगे। यहाँ सारे फंदे उल्टे ही बनेंगे, बल्कि याद रखिए इस पूरे पैटर्न में ही बैक साइड पर ना कोई घटाई ना कोई बढ़ाई, हमेशा सिंपल उल्टे फंदे ही बनेंगे। तो रो 20 बैक साइड में बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए अब मैं फ्रंट साइड पर हूँ। देखिए सात जालियाँ साफ दिखाई दे रही हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो 7 जगह पर मैंने दो दो जालियाँ डाली हैं। तो 7 जगह पर दो दो जाली, मतलब टोटल में 14 जालियाँ। और इस पैटर्न में क्या हो रहा है कि जालियाँ भी बनती हैं और फंदे भी बढ़ते हैं, यानी कि 14 जालियाँ बनी और 14 फंदे भी बढ़ गए। तो रो 19 के एंड में जालियाँ डालने की वजह से टोटल फंदे हो गए 32 + 14 = 46। रो 20 बैक साइड में सभी फंदे उल्टे बनाए थे, तो स्टिच काउंट 46 ही रहा। तो अब इसी पैटर्न को हमें जस्ट इन बढ़ाते जाना है। फिर जहाँ पर हमारे पास जाली है वहाँ पे हम जाली बनाएंगे, जहाँ पर नॉर्मल फंदे हैं वहाँ पे हम नॉर्मल बनाएंगे, और लास्ट के दो और शुरुआत के दो, इन दोनों को हमें उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो अभी मैं फ्रंट साइड पर हूँ और आपको रो 21 बना के दिखाती हूँ। तो स्टार्टिंग के दो फंदे उल्टे, अब जब तक हमारे पास ये होल नहीं आता तब तक हम सीधा बनाएंगे। ऊन पीछे कीजिए, एक सीधा और ये देखिए दो सीधा। अब हमारे पास जाली आ गई तो यहाँ पे हम फिर से जाली डालेंगे, ऊन आगे करके ऐसे बनाएंगे, फिर ऊन आगे करके ऐसे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट सीधा, एक, दो, तीन, चार, तो नेक्स्ट चार सीधे बनेंगे। फिर हमारे पास जाली आती है तो फिर हम ऊन आगे करके जाली बनाएंगे, फिर ऊन आगे करके जाली बनाएंगे, फिर देखिए हमें चार ही सीधे बनाने होंगे, 1, 2, 3, 4। देखिए जाली आ गई तो फिर से ऊन आगे और जाली बनाएंगे, ऊन आगे जाली। तो इसी तरह से इस पैटर्न को भी ऐसे ही फॉलो कीजिए। फिर चार सीधे दो जाली, चार सीधे दो जाली करके यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ पर हमारे शायद दो सीधे आएंगे और फिर लास्ट के दो उल्टे आएंगे। मैं ये बना लेती हूँ, एंडिंग का भी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैं आखिरी के दो जालियों की जगह पर आ गई हूँ, ऊन आगे एक जाली, ऊन आगे एक जाली, उसके बाद मेरे पास चार फंदे बचते हैं। तो फिर लास्ट के दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे। तो इसी तरह से हमें बनाते हुए जाना है। देखिए 46 फंदों का हिसाब भी बिल्कुल सही है। अब इस रो में हमने फिर से जाली डाली तो फिर से फंदे बढ़ गए। तो रो 21 के एंड में फंदे हो गए 46 + 14 = 60 स्टिचेस। फिर रो 22 बैक साइड बनाएंगे, सभी फंदे उल्टे। फिर रो 23 फ्रंट साइड पे फिर से जाली डिज़ाइन बनाएंगे, पहले के दो फंदे उल्टे, फिर तीन सीधे होंगे इस बार,
फिर दो जाली, फिर छह सीधे, फिर दो जाली, फिर छह सीधे, करते करते एंड में दो जाली बनाएंगे, उसके बाद तीन सीधे बना के दो उल्टे बना के ख़त्म करेंगे। और इसी तरह से हम कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि हम पूरा स्कर्ट नहीं बना लेते। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने घेरा थोड़ा सा बना लिया है। मेरे पास सर्कुलर नीडल भी थी 10 नंबर की, इसलिए मैंने इसमें डाल लिया है। इसमें डालने से थोड़ा सा अच्छे से दिखाई देता है कि फ्रॉक का शेप कैसा बन रहा है, और बनाने में भी थोड़ा इजी रहता है। कमर वाली पट्टी के बाद मैंने स्कर्ट पोर्शन में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आठ जालियाँ डाली हैं। आठ जालियों की रोज मैंने बनाई है, यानी कि रो नंबर 19 में जाली, 20 में सारे उल्टे फंदे, फिर रो नंबर 21 में जाली, रो 22 पे सारे उल्टे फंदे। इस तरह से बनाते हुए मैंने 33 रो पे जाली और रो 34 पे सारे उल्टे फंदे बनाकर 8 जालियों वाली लाइंस कंप्लीट की है। और अब मैं रो 35 बनाऊंगी। देखिए 7 जगह पर जालियां बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो 7 जगह पर जालियां मैंने डाली थी। देखिए अब इतना सा स्कर्ट बना लेने के बाद जैसा 4 उल्टी लाइंस का बॉर्डर हमने कमर में बनाया था, आप फिर से वैसा 4 उल्टे उल्टे लाइंस बना के फ्रॉक को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं इसके नीचे ट्रायंगल जैसा एक पैटर्न और बनाऊंगी, और वो मैं आपको पार्ट 2 में दिखाती हूँ। अगर अभी तक का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पार्ट 2 वाला वीडियो आपको टॉप राइट कॉर्नर पे मिल जाएगा। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, डू समथिंग क्रिएटिव एवरी डे। थैंक यू।